ये तीन नियम आप फॉलो कर लो, आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन जाते हो। आप कहते हो ना, अरे यार सर वो उस विषय में एक्सपर्ट है, सर यार वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, उसमें उसको बहुत नॉलेज है, उसका हर कार्य परफेक्ट होता है। आप लोग कभी कभी कहते हो, कैसे होता है कोई व्यक्ति परफेक्ट कैसे बनता, उसके अंदर परफेक्टनेस कैसे आती है। इन तीन नियम से एक छोटी सी स्टोरी है, आप सब जानते हो लेकिन फॉलो नहीं करते। सबसे पहले बता देता हूं वो तीन नियम क्या है, अनुशासन, समर्पण और नियम। इस पे चलो आप परफेक्ट अपने आप बन जाओगे। महाभारत में एक स्टोरी है एकलव्य की। एकलव्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बना, और उसके पास कोई गुरु नहीं था। बिना गुरु के वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना, हाउ, कैसे? अर्जुन के पास तो अच्छे गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य थे। एकलव्य बस इन तीन नियम के बल पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। एकलव्य के पास कोई गुरु नहीं था, उसने अपना एक लक्ष्य डिसाइड किया। सबसे नंबर 1 टूल्स उसने फॉलो किया, अनुशासन, कि रोज मुझे अनुशासन में रहना है, रोज मुझे तीरंदाजी की प्रैक्टिस करनी है, रोज किसी भी कंडीशन में किसी भी सूरत में मेरा अनुशासन नहीं टूटना चाहिए। थर्ड उसका नियम था समर्पण, उसने अपने आप को तीरंदाजी में समर्पण कर दिया था कि मैं हूं और बस मेरी तीरंदाजी है, अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया। और थर्ड है नियम, कंसिस्टेंसी, उसने नियम बना लिया कि रोज मुझे प्रैक्टिस करनी है, रोज प्रैक्टिस करनी है, किसी भी हालत में मेरी प्रैक्टिस बंद नहीं होनी चाहिए। उसने अपने जीवन में अनुशासन, समर्पण और नियम, ये तीन चीजें अपना ली और वह एक्सपर्ट बनकर निकला। अर्जुन को भी तीरंदाजी में पीछे फेंक दिया बिना गुरु के। देखा आपने, तो आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो। आप भी किसी फील्ड में, चाहे बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे स्टडी के फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, समाज के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, ये तीन नियम फॉलो कर लेना। आप भी ऐसे निकल के आओगे ना, आप लोगों को दुनिया देखेगी। बहुत से लोग बहाने बनाते हैं कि सर हमारे पास ये नहीं है, हाँ सर हमारे पास ये नहीं है। तो एकलव्य के पास कौन सा गुरु था, फिर भी उसने अपने आप को डाला इन तीन नियम में और वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। तो परिस्थितियों का रोना रोना बंद कर दो। हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति होती है, फिर भी वो एक निखर के सामने आता है इन तीन नियम के बल पर, अनुशासन, नियम और समर्पण। ये तीन नियम आप अपना लेना, दुनिया में ऐसे निखर के आओगे ना कि दुनिया आप लोगों को देखती रह जाएगी।